नमस्कार भाइयों और बहनों और माताओं और पिताओं, हम बताना चाहते हैं मनीष कश्यप भाई को बचा लीजिए, नहीं तो वो मनीष कश्यप अगर नहीं बच पाया, अगर जेल में से नहीं बाहर आया तो समझ लीजिए हम लोग गरीबों के बोलने वाला कोई नहीं है। देख सकते हो मनीष कश्यप भाई है जो आवाज़ उठाते हैं हर जगह, बोल जा जा के हर स्कूल में जाके जनता के हित में बोलता है। और हम बताना चाहते हैं कि देखिए मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है, देखिए उसको फंसा रहा है ये ऐसा पत्रकार, ऐसा नेता सब है। मुझे नेता तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बिहारी लोग जाति पात पे हम वोट देते हैं। हम कहना चाहते हैं जाति पात पे वोट आप लोग नहीं दीजिएगा, हम भी नहीं देते, कसम खाते हैं हम अगली बार हम लेकिन वोट देंगे तो हम सिर्फ मनीष कश्यप भाई को हम जिताएंगे, मनीष कश्यप भाई जिंदाबाद, हम इसको यही नारा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं भाइयों मनीष कश्यप भाई को आप सपोर्ट कीजिए। भाइयों हम गरीब को आवाज़ सुनने वाला वही है मनीष कश्यप, उनके मनीष कश्यप के पिता है एक फौजी है, फौजी पे हो फौज है और फौज होकर बॉर्डर पे हम लोगों को रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आप ही जाता है खाना खा लिया, ढकार हो रहा है। तो हम बताना चाहते हैं भाई लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए, मनीष कश्यप तो हम लोगों भाई जैसे को सहारा चाहिए उनको, हम लोगों को छोड़कर चल जेल में जाके बैठ गया है। ठीक है दोस्तों, और उन लोग को ज़बरदस्ती फंसा रहा है मनीष वो तेजस्वी यादव, उन लोगों का खानदानी चोर है यार, चोरी करते करते पूरा खजाना बिहार का हड़प लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताना चाहते हैं मनीष कश्यप भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई लोग हम यही दुआ करेंगे मनीष कश्यप को छोड़वा दो, मनीष कश्यप को हम लोग गरीबों का सहारा है, गरीबों का मसीहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो में इस वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं आता होगा लेकिन बात सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के इंटरेस्ट बनाइए, अब वीडियो में थोड़ा ठहर कर वीडियो पूरा देखिए, हम यही कहेंगे मनीष कश्यप को माता को देख लीजिए, वो एक ऐसा माँ है जो गर्भ है, वो उनके मनीष कश्यप बेटा उसको कोख में जन्म लिया है। मनीष कश्यप भाई हम चाहते हैं हर घर में मनीष कश्यप एक पैदा हो उनके जैसे, तो मनीष कश्यप बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। एक बार मनीष कश्यप को सीएम बना के देखिए दोस्तों, मनीष कश्यप भाई ऐसा नेता बन के निकलेगा, सबको दिल खुश करेगा और सबको रोज़गार देगा। ठीक है दोस्तों, हम यही उम्मीद करेंगे, मनीष कश्यप भाई को सपोर्ट कीजिए, मनीष कश्यप भाई बहुत अच्छा है, उसे फंसाया जा रहा है। अर्णब गोस्वामी की एक पत्रकार था, किस तरह फंसाया उसको चंगुल में, उसी तरह इसको भी फंसाया जा रहा है। हम यही कहते हैं भाई लोग आंदोलन करते रहिए, आंदोलन थमना नहीं चाहिए, आंदोलन ही होगा तो ही मनीष कश्यप छूटेगा। ओ हम कहना चाहते हैं मनीष कश्यप भाई एक ऐसा पत्रकार है जो किसी से नहीं डरता है, आँख में आँख मिला के पत्रकारी करता है। ठीक है दोस्तों, रोड खराब रहता है चाहे कुछ भी खराब रहता है, गलत रोड बना देता है, ये सब के ऊपर बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यही कहेंगे मनीष कश्यप भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई लोग बहुत उम्मीद से हम कह रहे हैं मनीष कश्यप भाई को सपोर्ट किए, हम लोग बिहार छोड़ के पंजाब में आ गए हैं काम करने के लिए, अब तो हम लोग को उतना शौक़ नहीं था पंजाब में काम करने का लेकिन मजबूरी है, बिहार में काम नहीं है इसीलिए हम पंजाब में आके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पर हम मुझे मजबूरी हो गया, मनीष कश्यप भाई के आंदोलन में हम नहीं शामिल हो पाए, हम बहुत लाचार हुए हैं। ठीक है, हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं भाई लोग, मनीष कश्यप भाई को आप लोगों का सहारा है, मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए, आप मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिएगा तो मनुष्य ऐसा हजारों मनीष कश्यप खड़ा रहेगा आपका साथ, हम भी एक मनीष कश्यप बनेंगे, हम भी बात फैलाएंगे बिहार के हर एक कोने कोने में, अब बात फैलाएंगे मुट्ठी बन करके। ठीक है दोस्तों, हम दिल से कहते हैं भाई लोग मनीष कश्यप भाई को सपोर्ट कीजिए और आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आशा करता हूँ मनीष कश्यप भाई को चाहने वाले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि वीडियो हम मनीष कश्यप जैसे हम भी वीडियो बना सके, हम भी मनीष कश्यप बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय वंदे मातरम।